आपको सिर्फ इतना पूछा कि आप कहाँ गए थे, तो आपको इतना बुरा लग गया इस बात का? सच कहूँ तो अगर इंसान के सीने में दिल ना होता ना, तो इस दुनिया में कभी कोई प्रॉब्लम ना होती। एक बार नीति के एग्जाम्स खत्म हो जाएं, तो उसके बाद हम सब वेकेशंस पे चलेंगे। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो कितनी अकेली पड़ जाती मैं, कैसी होती मेरी जिंदगी। लेकिन क्या कभी अक्षय ने उनसे कोई सवाल पूछने का या उन्हें समझने का अधिकार दिया है मुझे? नहीं, कभी नहीं थी, और शायद वो ये अधिकार मुझे कभी देंगे भी नहीं। विजय, आप टोस्ट पास करना। अक्षय, टोस्ट तो ठंडे हो गए हैं, मैं गरम कर लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं खा लूंगा, इट्स ऑलराइट, तुम ब्रेकफास्ट करो। दो मिनट लगेंगे, वेट। विजय, आप गुड मॉर्निंग जलपरी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। ओ शिट, नानी ने आज फिर उपमा बनाया। प्रिंसेस, ये शब्द कहाँ से सीखा आपने? कौन सा शब्द? यही जो आपने अभी कहा, अभी यूज किया, ओ शिट। मेरे स्कूल में सब फ्रेंड्स बोलते हैं। इस शब्द का मतलब जानती हैं आप? यस पापा। तो फिर आप इतना खराब शब्द, इतना बैड वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? सॉरी पापा, आगे से ऐसा नहीं बोलूंगी। गुड, थैंक्स। टोस्ट लोगी तुम? नहीं, मैं उपमा खाऊंगी। प्रिंसेस, आपको आपकी मम्मी ने बताया? किस बारे में? यही कि हमने कल डिसाइड किया था कि आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएं, उसके बाद हम आपको वेकेशन पर लेकर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वो तुम डिसाइड करो। इंटरनेट पे चेक करके मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी, उसमें से आप एक चूज करना। एक क्यों? हम तीनों जगह चलेंगे। नानी चलिए अभी चेक करते हैं। पहले आप नाश्ता तो कर लो। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करती हूँ, आप भी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए। ओके। अभिया का फोन है। हाँ अभिया, बोलो। माँ, जीजा जी ने कैफे चलाने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिला दिया। हाँ, विजय ने बताया मुझे। जीजा जी को मैं जितनी बार भी थैंक यू बोलूं कम है, आप तो जानती है हमें कितनी ज़रूरत थी इसकी। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ। कल रात रतन ने दीदी से बहुत उल्टी सीधी बातें की, मुझे बहुत बुरा लगा। दीदी और जीजा जी कितना कुछ करते हैं हम लोगों के लिए, पर रतन फिर भी। अभिया, तुम घर पे मुझे मिलने आना, फिर बैठकर बात करेंगे। ओके, अब मैं फोन रखूं? हाँ रखिए। बाय बेटे। अभिया बहुत खुश है कि तुमने उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। क्यों नहीं दिलाता अम्मा जी? आपकी बेटी है, विजया की छोटी बहन है। नानी चलिए ना। कहाँ? वैकेशन के लिए कहाँ जाना है, वो देखना है या नहीं? ओहो, चलो चलो चलो। Come on, let's go. जाने के ख्याल से नीति कितनी एक्साइटेड है ना। अक्षय, हम लोग पक्का जाएंगे ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स जाएंगे हम लोग। अक्षय, मैं आपको एक बात बोलना तो भूल ही गई। वो क्या? अब ठीक है? क्या कह रही थी तुम? हाँ, वो मैं कह रही थी कि कल फिर से एक फोन आया था,
और वो पूछ रहे थे कि हमारे नर्सिंग होम में कोई साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है या नहीं। ऐसे फोन पहले भी आए थे, मैंने आपको बताया था इस बारे में। हाँ, तुमने एक बार कहा था मुझसे। आजकल लोगों की लाइफ में इतनी टेंशन चल रही है, कभी सास बहू, कभी पति पत्नी, यहाँ तक कि माँ बेटी की भी नहीं बन रही है। ऐसे लोगों को ना अक्षय, एक प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट की काउंसलिंग की जरूरत है ना? विजय, तुम ये कहना चाहती हो कि हम अपने नर्सिंग होम में एक साइकेट्रिस्ट को अपॉइंट कर लें? हाँ, या व्हाई नॉट, वी कैन डू दैट। हमारे यहाँ लोग ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर ज्योतिषी के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। उसके लिए हमें हमारे नर्सिंग होम में एक साइकेट्रिस्ट क्यों अपॉइंट करना है? हम ट्राई तो करके देख सकते हैं ना। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि हमारे नर्सिंग होम में हर तरह की फैसिलिटी हो। हम अपने छोटे से नर्सिंग होम को एक बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे। और अक्षय, आपको याद है मैं मम्मा के साथ एक दिन मॉर्निंग वॉक पे गई थी और हमारी गाड़ी खराब हो गई थी? याद आया। उस दिन जिसने हमारी मदद की थी ना, इत्तेफाकन वो एक साइकेट्रिस्ट ही है, और उसका नंबर है मेरे पास, तो अगर आप बोले तो मैं उसे मीटिंग के लिए बुला लूं। क्या सोच रहे हैं? सोच कर बताता हूं। नर्सिंग होम से फोन? ये अक्षय क्यों पीछा नहीं छोड़ रहा मेरा? अब क्या है, फोन क्यों किया? मैं आपसे पहले भी कह चुकी। अरे बाप रे, कौन है वो बेचारा जिस पर इतना गुस्सा उतार रही हैं आप? विजया जी। विजया जी नहीं, सिर्फ विजया जी। सिर्फ विजया। कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिजी हैं? नहीं नहीं, बताइए। नर्सिंग होम आ जाइए, लंच हम एक साथ करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी गपशप और बहुत सारी गॉसिप। जी आज नहीं, फिर किसी रोज आ जाऊंगी। पर क्यों, अभी अभी आपने कहा कि आप बिजी नहीं हैं। जी इस वक्त बिजी नहीं हूँ, लेकिन बाद में। देखिए बात बात कुछ नहीं, मैंने सुबह ही डिसाइड किया था कि लंच हम एक साथ करेंगे, उस हिसाब से ही घर से खाना बना कर लाई, इसलिए आप 1 बजे तक पहुंच जाइए। मैं आपका वेट करूंगी, आएंगी ना? जी आ जाऊं। ओके देन, सी यू सून, बाय बाय। जब देखो तब घूरते रहते हो भाई। इस खूबसूरत चेहरे से नजर ही नहीं हटती तो हम क्या करें। वैसे काफी जल्दी तैयार हो गए तुम। हाँ वो मैं। भाई तैयार तो हम भी कब से बैठे हैं, बस मैं ये इंतजार कर रहा था कि कब खूबसूरत नाजनीन हसीना अपने कमरे से बाहर चलती हुई आएगी। वैसे तुमने बहुत सही प्लान बनाया, पूरे दिन उस गार्डन में बैठने से अच्छा तो हम लोग एक एसी थिएटर में जाके रोमांस करें। फिल्म देखते हुए वहां स्क्रीन पे उन लोगों का रोमांस चल रहा होगा और यहां पर हमारा। वेरी नाइस, लेट्स गो। इरफान, वो क्या है ना कि ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही ना। मुझे लग ही रहा था ये शर्ट अच्छी नहीं है, मैं 2 मिनट में चेंज करके आया। इरफान मेरी बात सुनो। बोलो। देखो प्लीज डोंट माइंड, वो विजया जी है ना ठाकुर नर्सिंग होम की,
उन्होंने मुझे आज लंच पे इनवाइट किया है। मैंने उन्हें मना करने की बहुत कोशिश की सच में, लेकिन आई एम सॉरी। ये दुनिया वाले भी ना मोहब्बत करने वालों के दुश्मन होते। मुश्किल से एक मौका मिला था, वो भी हाथ से चला गया। अभी बस करो एक्टिंग। देखो हम फिर किसी रोज चले जाएंगे। वेल लेट्स सी, बस अगली बार हमारे बीच कोई तीसरा ना आ जाए। हो सकता है या नहीं भी हो सकता। बाय, सी यू। बाय। शुक्र है इस लड़की का मूड तो ठीक हुआ। खुदा करे हमेशा ऐसे ही खुश रहे। नानी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाना खिलाइए। ठीक है, आप जल्दी से जाके कपड़े बदल लो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं जल्दी से खाना लाती हूँ। नानी आप ऐसा क्यों करती है? हाथ मुंह धोने के बाद ही खाना मिलेगा। यस। डॉक्टर अक्षय सिन्हा रेसिडेंस, हाउ कैन आई हेल्प यू? कैसी है मेरी गुड़िया रानी? दादी माँ। बेटा आपके एग्जाम्स हो गए? दादी माँ इस बार मैंने बहुत पढ़ाई की है। मेरी क्लास में फ्रेंड है ना रोहित, वो बोलता है वो ही फर्स्ट आएगा, पर देखना इस बार भी क्लास में मैं ही फर्स्ट आऊंगी। आपको पता है पापा ने क्या प्रॉमिस किया है मुझे? क्या प्रॉमिस किया बेटा? मेरी स्कूल की एग्जाम खत्म हो जाएगी ना तो वो हम सबको हिल स्टेशन पर ले जाएंगे। आपको आना है हमारे साथ? नहीं बेटा आप सब जाइए। दादाजी कहाँ है? दादाजी बाहर गए हैं किसी काम से। कब आएंगे? बेटा ये तो पता नहीं कब तक आएंगे। आप उनको मेरी तरफ से हेलो बोलना। जरूर बोल दूंगी। और ये भी बोलना कि मैं उन्हें हमेशा बहुत याद करती हूँ। पक्का बोलूंगी बेटा, ये बात भी बोल दूंगी। नीति किससे बात कर रही हो? दादी माँ से। नानी खाना लेकर आई है, रोज बहुत टेस्टी खाना बनाती है वो, आपको बात करनी है उनसे? नहीं बेटा आप खाना खा लीजिए। नीति फोन रखो बेटे, अब तुम्हें भूख नहीं लगी? आती हूँ पापा। ओके दादी माँ, बाय बाय। बाय बेटा। विजया जी आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। हाउ स्वीट ऑफ यू, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? प्लीज ले लीजिए, अगर आपको ये गिफ्ट पसंद आया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज। थैंक यू। खोल कर देखो इसे। यस ऑफ कोर्स। वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, कहाँ से खरीदा आपने? ये यही बैंड्रा से, ओनली वेमेन नाम की एक शॉप है, वहां से खरीदा। आपका घर भी बैंड्रा के आसपास ही कहीं है? घर तो नहीं कह सकते, घर तो घर वालों से बनता है ना। मैं तो किराए के मकान में रहती हूँ। ओके। वैसे आप रहने वाली कहाँ की है? आई मीन योर होम टाउन। आई एम सो सॉरी मैं कंटिन्यूसली आपसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। आई एम सॉरी। नो दैट्स ओके। एक्चुअली मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। माँ बाप के गुजर जाने के बाद मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उसके बाद पढ़ाई के लिए पुणे आ गई, वहाँ हॉस्टल में रहती थी, और अब यहाँ मुंबई में। काफ़ी लंबा सफ़र तय किया आपने भी। हाँ लेकिन मंजिल नहीं मिली अब तक। फिक्र मत कीजिए, मुंबई ऐसा शहर है जहाँ से कोई भी कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता, इसलिए आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। होप सो।
Yes, come in. जी आ जाइए, लंच का टाइम हो गया। आप सॉफ्ट ड्रिंक लेंगी? मैम वो सिर्फ कॉफी पीती है। अच्छा तो ठीक है, लंच के बाद आप इनके लिए कॉफी ले आइएगा। जी हेलो डॉक्टर सिन्हा। हेलो डॉक्टर नंदिनी। डॉक्टर नंदिनी को मैंने लंच के लिए इनवाइट किया है, बैठिए ना। विजया दरअसल मुझे भूख नहीं है। यू पीपल कैरी ऑन, मैं बाद में मिलता हूँ। कैरी ऑन। डॉक्टर सिन्हा प्लीज रुकिए, मैं जानती हूँ आप दोनों रोज लंच साथ में करते हैं। आज अगर मेरी वजह से लंच करने में आपको देर हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज रुकिए। अक्षय टेस्टी। आप खुद खाना बनाती हैं या फिर? जी मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है। मुझे भी, आज से नहीं बल्कि कॉलेज के दिनों से। मैं तो हमारे हॉस्टल के किचन में जाकर खास खास डिशेस बनाया करती थी। अच्छा? हाँ उन दिनों मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसे मेरे हाथ की डिशेस बहुत पसंद थी। हम दोनों अक्सर किसी पिकनिक स्पॉट पे जाया करते थे और वहां जाकर खाना खाते थे, बहुत मजा आता था। और रोमांटिक, आपका वो दोस्त कहाँ है अभी? आपने जवाब नहीं दिया, अब कहाँ है आपका वो दोस्त? खो गया कहीं अंधेरे में। नहीं नानी ऐसा। अरे डिस्टर्ब मत करो, ये देखो ये। नहीं नानी ये 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 ओ नो, अब मेरी बारी। ये नानी अब फट गए, मैं जीत गई। तो आप तो एक्सपर्ट हो इस गेम में। मैं तो अभी अभी सीख रही हूँ। जब आप छोटे थे तो आप भी तो खेलते होंगे ये गेम, फिर आप एक्सपर्ट क्यों नहीं हुए? हमारे जमाने में वीडियो गेम्स नहीं थे। नहीं थे तो फिर आप क्या खेलते थे? मैं खेलती थी कैरम, लूडो और सांप सीढ़ी। फिर तो दादी माँ भी यही खेलती होगी। नानी एक बात पूछूं, दादी बा आपसे बात क्यों नहीं करती? दादाजी और दादी बा हमारे घर पे क्यों नहीं आते? वो गुस्सा है हमसे? बेटी वो नीति, मुझे एक आइडिया आया। क्या? देखो आपको तो इस गेम में हराना बहुत मुश्किल है,
लेकिन अगर आप मुझे अच्छे से सिखा दोगे तो मैं आपकी मम्मी को हरा दूंगी। मैं मम्मी को सिखा दूंगी और आप दोनों को हरा दूंगी। यू आर सो नॉटी। नंदनी, क्यों दोस्ती बढ़ा रही हो विजय से? दोस्ती का हाथ उन्होंने बढ़ाया है, मैंने नहीं। तो तुम इनकार भी कर सकती थी, और क्या जरूरत है पुराने कैसे दोहराने की? अगर विजया जी मुझसे मिलना चाहे तो कोई प्रॉब्लम है आपको? नंदनी, मुझे कोई या ये तो नहीं चाहते कि मैं आपसे दोस्ती बढ़ाऊं? ये मुमकिन नहीं है, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। और वैसे भी मैं किससे मिलूं किससे नहीं ये सब बताने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, आज फिर कह रही हूं, मेरा और आपका सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है, इसलिए आप अपनी हद में रहिए। मेरे पर्सनल मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे?